हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। जैसा कि डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। यह खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम से रिलेटेड टॉपिक है, जिससे यह चौथा पांचवा वीडियो है और खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड यह आठवां वीडियो है। जैसा कि मैं यूथ कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करा रही हूँ आपको, एंड यदि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीडीपीजी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट वर्ग 2-3 हो, बिहार या स्टेट हो, अदर स्टेट के टीजीडीपीजी हो, केबीएस एनबीएस हो, सभी के लिए मेरे चैनल पर सभी प्रकार के कंटेंट अवेलेबल हैं। जैसा कि दोस्तों बिहार या स्टेट का एग्जाम जस्ट हो रहा है और बहुत ही जल्द एग्जाम करा दिया, उसके लिए मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के प्रैक्टिस कराया गया है, बेस्ट क्वेश्चनों का 100 से ज़्यादा वीडियो का प्रैक्टिस कराया गया है, एंड डेली बेसिस से मैं प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो आप जल्द से जल्द देखने के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू का रिवीजन कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सभी चीज़ें वही है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है फिजिकल एजुकेशन का। आपको देखने की घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से 50% 40% ला सकते हैं। महिलाओं को तो 40% ही लाना है। एंड इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ये है कि सीखने की परीक्षण पद्धति सीखने की अवधि को कम करता है। बात सही है, परीक्षा लेने से आपको पता चलता है क्या क्या कमियां हैं, और जो भी कमियां हैं जल्दी से हम सुधारते हैं, तो यह आपका जल्दी से सीखते हैं। और इसके बारे में तर्क है कि थार्नडाइक ने अधिगम के नियम स्थापित किए। तो अधिगम के नियम थार्नडाइक ने दिया है, जिसमें से मुख्य नियम और गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ एक्सरसाइज, और प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट दिया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभाव नियम को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्होंने प्रभाव के नियम को संतुष्टि का नियम, संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है, एंड माइंड लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतोष असंतोष, अपुरस्कार और दंड का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट हो। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन ये है दोस्तों कि सजातीय और आधार कक्षाएं जो खेल कूद प्रबंधन के शिक्षण से संबंधित हैं, उसमें संप्रेषण पाठ्यक्रमों, अंतर्वैयक्तिक संबंधों, लेखाकरण, वित्त, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी तथा खेल कूद के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल हो सकते हैं। इसके संबंध में तर्क आर दिया गया है कि प्रैक्टिकम साधारण तौर पर ग्रहण किया गया प्रशिक्षुता पूर्व अंशकालिक कार्य क्षेत्र अनुभव है, जब छात्र सजातीय अथवा विशेष कक्षाएं कर रहा हो। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए आर तो दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि धारणात्मक सीख उद्दीपन, जो कि अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की क्षमता में वृद्धि है, इसको किसने परिभाषित किया था? तो इसको दिया था गिबसन ने, इस परिभाषा को दिया है गिबसन ने। नेक्स्ट दोस्तों, ज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका होती है। तो अध्यापक की भूमिका क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अध्यापक की ज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका हो सकती है कि वह गलत धारणाओं को सही करे और कारगर रणनीतियां अपनाए, कारगर रणनीतियों के द्वारा, स्ट्रेटेजी के द्वारा पढ़ाए। तो यहाँ पे बी और डी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट से युक्ति क्षमताओं का सही संयोजन, युक्ति यानी कि स्ट्रेटेजी, टैक्टिस, युक्ति यानी कि टैक्टिकल एबिलिटी, युक्ति क्षमता यानी कि टैक्टिकल एबिलिटीज, जो खेल के समय एकाएक जैसा परिस्थिति हो वैसा हम युक्ति बनाते हैं अपने बुद्धि कौशल के द्वारा, तो क्या हम कहते हैं? तो इसमें युक्ति क्षमताओं का सही संयोजन आपको लगाना है, अपना दिमाग लगाइए इसमें। तो विशिष्ट बौद्धिक क्षमता होना चाहिए, उसके लिए बात तो सही है, एंड विशिष्ट संकल्पनात्मक एवं संयोगात्मक क्षमताएँ होना चाहिए, एंड
विशिष्ट ज्ञानात्मक क्षमताएं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी एंड डी आपका राइट होगा, ए बी और डी राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है कि विशिष्ट बौद्धिक क्षमता होना चाहिए, विशिष्ट संकल्पनात्मक एवं संवेगात्मक क्षमता होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञानात्मक क्षमताएं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लक्ष्य निर्देशित क्या है। लक्ष्य निर्देशित गतिविधि के पूरे पैटर्न का सही अनुक्रम निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। तो लक्ष्य निर्देशित में सबसे पहले दोस्तों हम किसी लक्ष्य को क्यों बनाते हैं, अपने आवश्यकता को ध्यान में रखकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जरूरत क्या है, क्या देखेंगे हमारी जरूरत क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी ऑप्शन सबसे पहले होगा, यानी कि बी, तो बी किस में दिख रहा है, बी और डी में, देखते हैं आगे। जरूरत की बात हम देखते हैं उसका हम संचालन कैसे करेंगे। ठीक है, नीड एंड ड्राइव, फिर सबसे पहले नीड आवश्यकता होता है, फिर हम उसका संचालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो रहा है। इसके अनुसार देख सकते हैं सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी, फिर उसके ड्राइव यानी संचालन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे तैयार करने से जुड़ी गतिविधि। क्या करेंगे उसको, प्रिपरेटरी एक्टिविटी करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक, उसके बाद हम करेंगे उसका प्रोत्साहन, ठीक है, इंसेंटिव। उसके बाद हम पूर्ण करने संबंधी व्यवहार करेंगे। ठीक है, एक आपका एक लक्ष्य निर्देशित गतिविधि के पूरे पैटर्न का अनुक्रम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका गलत बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तत्परता का सिद्धांत निर्भर करता है। तो तत्परता का थंडराइट ने तीन नियम दिए हैं सीखने के मुख्य, कौन कौन से, तत्परता का नियम, लाफ, रेडीनेस यानी कि आप अंदर से तैयार हैं कि नहीं उसको सीखने के लिए। जैसे शारीरिक शिक्षा में वार्म अप, जो किसी भी खेल क्रिया करने से, किसी भी क्रिया करने से वार्मिंग अप किया जाता है, जो अपने शरीर को तैयार किया जाता है स्किल के लिए, उसी तरह किसी भी कार्य के पहले अपने आप को तैयार करना या अपने आप को देखना कि हम उस कार्य का करने के लिए हम तत्पर हैं कि नहीं, तो वो देखा जाता है। तो यहाँ पे तत्परता के सिद्धांत किस पर निर्भर करेगा, आप सोच के सही आंसर दे दिए होंगे। तो यह निर्भर करेगा दोस्तों कि छात्र की रुचि है कि नहीं, छात्र को उसकी आवश्यकता है कि नहीं, वो परिपक्व है कि नहीं। तो छात्र की रुचि, आवश्यकता और परिपक्वता, छात्र की रुचि, आवश्यकता और परिपक्वता जो है तत्परता के सिद्धांत पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एंड दूसरा नियम इन्होंने दिया था अभ्यास, लाभ, एक्सरसाइज। इनका कहना था कि किसी कार्य को हम करते रहते हैं तो वो हमारा ज्ञान में बना रहता है, बट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे विस्मित हो जाता है। उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं अभ्यास के नियम को। तीसरा नियम प्रभाव का नियम, जिसे संतोष का नियम, लाभ, सेटिस्फैक्शन भी बोला जाता है, लाभ इफेक्ट, लाभ सेटिस्फैक्शन। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र में प्राप्त क्रिया किए गए क्रियाओं या क्षमताओं का अन्य क्षेत्रों में समस्या समाधान या ज्ञान अर्जन पर प्रभाव को संदर्भित करता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि पहले से आप कोई कार्य सीखे हुए हैं या ज्ञान है आपको, वो दूसरे कार्य में समस्या समाधान या अर्जन या ज्ञान को अर्जन करने में प्रभावित करता है, या उसको सीखने में या तो बाधा करता है या तो सहायक करता है, उसे कहते हैं प्रशिक्षण का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ व्याख्या दिया गया है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभ्यासों में से कौन सा तुलनात्मक रूप से अभ्यास का सतत प्रकार है, जिसमें आराम अवधि या तो बहुत कम है या नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में अभ्यास आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों,
आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह अध्ययन कौन से नियम के अंतर्गत है? तो यह अध्ययन जो है प्रभाव के नियम के अंतर्गत है। नेक्स्ट दोस्तों, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को समानता क्या कहते हैं? कई बार बता चुके हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिवार से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं सीखना, यानी कि अधिगम। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा अधिगम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ परिभाषा दिया गया है कार्ल विन के अनुसार कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों के द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप उसकी आंतरिक एवं बाह्य क्रिया तथा उसकी अपनी परिस्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करता है। ये व्यवहार परिवर्तन स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दोस्तों, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि है प्रेक्षण विधि, यानी ऑब्जर्वेशन विधि, ठीक है। प्रेक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा सीखना, दूसरे के व्यवहार को देखकर उनके कौशलों को अपना लेना बहुत ही सामान्य बात है। बालक ऐसे व्यक्ति को जिसे वह अपना आदर्श मानता है, कोई कार्य करते देखता है तो वह उस व्यवहार को अपने आप में समाहित कर लेता है। प्रेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड अनुकरण विधि से कहीं ज़्यादा जटिल विधि है। बच्चे इस विधि द्वारा सूचनाओं और विभिन्न कौशलों को सीख तो जाते हैं परंतु तो उसका प्रयोग नहीं कर पाते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो आप कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं, आपकी जुबान पे है। थर्ड लाइफ में सीखने के तीन नियम दिए थे, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यहाँ पर प्रतिक्रिया का नियम आपका नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। तो आचरण विज्ञान मानसिक प्रक्रिया माना जाता है मनोविज्ञान, ठीक है। एंड मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की है? तो उन्होंने बताया है पावलाव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप पावलाव के सिद्धांत को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दिया है, ठीक है। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? रूसी वैज्ञानिक थे एंड हमेशा अध्ययन में रुचि रखते थे। इन्होंने अनुकूलन प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की है। पावलाव ने कुत्ते को घंटी बजाकर भोजन देते थे तथा घंटी बजाने पर लार टपकने का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है? शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की किस योग्यता के रेखांकित किया गया है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक ढंग से, यानी बौद्धिक विकास की बात कर रहा है। बौद्धिक विकास का मतलब है कि किसी समस्या का आप समाधान करते हैं, हल करते हैं, वही आपका बुद्धि माना जाता है। यानी ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने के पठार का कारण है? तो दोस्तों, सीखने के वक्र के हम बताए हैं कि तीन प्रकार होते हैं, जिसमें से एक समय ऐसा आता है कि सीखने में अचानक सीखना रुक जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। लेकिन इस पठार बनने का कारण क्या होता है? सीखने का पठार बनने का कारण होता है जो सीखने का कारण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारण होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि सीखने का पठार का कारण कौन नहीं है? तो निरस्ता, आपका मन नहीं लग रहा है उसमें, तो ये भी है कारण। विमनस्कता है, थकावट है, ये तीनों चीज़ें हैं, बट क्रियात्मक सीमा नहीं है। क्रियात्मक सीमा यहाँ पे सीखने का पठार बनने का कारण नहीं है। जैसा कि दोस्तों, सीखने का पठार कहते किसे हैं? सीखने का पठार कहते किसे हैं कि
सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती दिखाई देती। कुछ समय के लिए सीखना एकदम रुका हुआ दिखाई देता है। वक्र की रेखा नीचे या ऊपर न जाकर बजाय सीधे चलने लगती है और एकदम सपाट हो जाती है। जैसे सीखने के वक्र तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित वक्र। ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र में क्या होता है कि आरंभ में सीखने संबंधी गति जो है तीव्र होता है और बाद में मंद होता है। जहां कार्य आप पहले से जानते रहते हैं कुछ, वहीं पे ऐसा होता है, पहले तीव्र सीखते हैं फिर मंद हो जाता है, ठीक है। फिर धनात्मक प्रगति सूचक में क्या होता है कि आरंभ में सीखने की गति मंद होती है और बाद में तीव्र होती है। यहाँ जब हम नए कार्य को अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं तो आरंभ में धीरे धीरे सीखते हैं, बाद में तीव्र हो जाती है। फिर एक तीसरा होता है वक्र मिश्रित वक्र, जो है सी टाइप या यश टाइप वक्र भी इसको कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति की जैसे स्वभाव कैसा है, सीखने वाले की क्रिया, सीखने वाले संबंधी वातावरण कैसा है, इस प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रकार उसका सीखने का जो वक्र होता है घटता बढ़ता रहता है, कभी कम सीखता है, कभी ज़्यादा सकता है, किसी भी प्रकार का शक्ल ले सकता है। इस प्रकार के वक्र कहते हैं मिश्रित वक्र, ठीक है। सीखने को प्रभावित करने वाली पठार बनने के कारण क्या होते हैं दोस्तों? सीखने की गलत पद्धति से सीख रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे, शारीरिक मानसिक थकान है तो नहीं सीख पाएंगे। सीखे जाने वाले कार्य का अधिक कठिन और जटिल है तो आपको कुछ से सरल विधि बनाना पड़ेगा। उचित अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का अभाव है, रुचि नहीं है एंड पुरानी आदतों का नई आदतों के साथ संघर्ष है। सीखने वाले का शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना है। उचित ध्यान का अभाव है, व्यवधान है। सीखने वाले का थोड़ी सी सफलता में संतुष्ट हो जाना है। ये सभी कारण है पठार बनने के या सीखना सीखने के। और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसको हम दूर करने के एक है कि हम पठार बनने के दूर कैसे कर सकते हैं। हम उसको अभिप्रेरणा देंगे, मोटिवेशन देंगे, उसके थकान को दूर करेंगे, नवीन शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे, व्यक्तियों की रुचि को ध्यान में रखेंगे, बुरी आदतों पर निवारण करेंगे, स्थान और समय का भी परिवर्तन करेंगे, इन रोगों का जो भी स्वास्थ्य जो चीज़ें हैं उसको हम समस्या को समाधान करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो उन्होंने तीन प्रकार के नियम दिया था थार्नडाइक ने, सीखने के मुख्य तीन नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कौन इसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रतिक्रिया का नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है। तो शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के पाठशाला के अनुभव में। शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है बच्चों के पाठशाला के अनुभव में, होलिस्टिक करिकुलम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है। अध्यापक सहायक सामग्री जो होता है तो वो हमारे अध्यापन को और प्रभावकारी बनाता है। जाहिर सी बात है, सरल क्वेश्चन है। अध्यापक सहायक सामग्री जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा सामग्री होंगे हमारे जो अध्यापक है वो उतना अच्छा होगा तो प्रभावकारी बनाता है। यानी कि अध्यापन सहायक साधनों को दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। सहायक साधन सीखने की प्रक्रिया को वास्तविकता और रोचकता प्रदान करते हैं। अध्यापन सहायक सामग्री से अध्यापन कार्य प्रभावकारी बनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी। तो दोस्तों सीखने की सिद्धांतों की थ्योरी थी थार्नडाइक ने। इन्होंने तीन मुख्य सिद्धांत, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम दिया है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है किससे? कॉग्निटिव सीखने से, इफेक्टिव यानी प्रभाव सीखने से, साइकोमोटर यानी कि मोटर के नियम्स के सीखने से, इन सभी के नियम से संबंधित है शारीरिक कौशल का सीखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है उपयोग अनुपयोग का नियम। जाहिर सी बात है आपको पता है अभ्यास के नियम को कहा जाता है अनुपयोग उपयोग का नियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल को सीखने में हस्तक्षेप करे तो उसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण। जैसे कि प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसे कहते हैं? पहले से ज्ञान अर्जित, जो पहले से ज्ञान अर्जित आप किए हैं वो किसी नए कार्य सीखने में प्रभाव करता है तो उसे हम इस सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। और जब वही पुराना जो हम ज्ञान अर्जित किए हैं नए कार्य करने में सहायता करता है तो वो सकारात्मक स्थानांतरण। जब बाधा उत्पन्न करता है, हस्तक्षेप करता है तो नकारात्मक स्थानांतरण। जब नए कार्य सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, न सहायक होता है तो उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
अधिशेष ऊर्जा यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी, अतिरिक्त शक्ति की धारणा किसने दिया है दोस्तों? इसको दिया हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, हर्बर्ट स्पेंसर और सेलर ने। खेल के सिद्धांत में सिद्धांतिक धारणाओं में है अतिरिक्त शक्ति और विशेष ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर, एंड भविष्यदर्शी पूर्वानुमानित धारणा एंटीसिपेटरी थ्योरी को दिया है कार्ल ग्रुस ने, एंड मनोरंजनात्मक धारणा रिक्रिएशनल थ्योरी दिया है लॉर्ड केम्स जी डब्ल्यू पैट्रिक ने, पुनः अवलोकन या पुनर्कथन पुनरावृत्ति या रिकैपिचुलेटरी थ्योरी दिया है जी स्टैनली हॉल ने, मनोविश्लेषण धारणा साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायर ने, विरेचन रेचन सिद्धांत कैथेटिक थ्योरी दिया है अरस्तु ने, सामाजिक धारणा सोशल थ्योरी दिया है अरस्तु ने, खेल ही जीवन है धारणा प्ले इज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने, संज्ञानात्मक धारणा कॉग्निटिव थ्योरी दिया है जीन पियाजे ने, सहज प्रवृत्ति धारणा इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया है विलियम मैकडूगल ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने की गामक अवधारणाओं का सही क्रम चुनिए। तो सीखने की गामक अवधारणाओं का सही क्रम यहाँ पे आपको चुनना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले होगा हमारा विषय समन्वय की स्थिति। तो सबसे पहले हम विषय में समन्वय सीखेंगे, उसके बाद सूक्ष्म समन्वय की स्थिति सीखेंगे, फिर स्वयं संचालन की स्थिति सीखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की स्थिति के सामान्य तत्वों को क्रमबद्ध कीजिए। तो सीखने की स्थिति समान तत्व तो होती है तभी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि पुराने ज्ञान का नए ज्ञान में सीखने में सहायता होता है। तो वहाँ पे सीखने की स्थिति के समान तत्वों के सिद्धांत में आपको क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले हम उद्देश्य को चुनेंगे, उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के जवाब यानी कि कार्य को देखेंगे, उसके बाद उसमें से प्रयास का चयन करेंगे, उसके बाद हम अंत में सही जवाब पर स्थित हो जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन गलत दे दिया है, इसको हम रैंक करते हैं, आप चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों कि अभिकथन से रिलेटेड है, पर्यवेक्षण एक विशेषता तकनीक सेवा है जिसका मुख्य केंद्र, पर्यवेक्षण एक विशेषता तकनीक सेवा है जिसका मुख्य केंद्र विद्यार्थियों की सीखने की स्थितियों को सुधारना है, राइट है। पर्यवेक्षण अच्छी तरह पढ़ाने व सिखाने की स्थितियों के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। तो मेरे को तो दोनों सही लग रहा है, दोनों चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि दोनों ए और आर सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था सीखने का? ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एरर सिद्धांत। एंड पावलोव ने दिया था कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, कोहलर ने दिया था इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर्शित बढ़ाने यानी प्रदर्शन बढ़ाने हैं तो संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो संज्ञानात्मक की दृष्टि से ऑटोजेनिक प्रशिक्षण, स्वयं वार्ता, प्रतिबिंबित अभ्यास संबंधित है, मानसिक अभ्यास आपका संबंधित नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत संज्ञानात्मक व्यवहारपरक उपचार विषयों का उद्देश्य होता है संबंध होने अथवा व्यभिव्यक्त करने या पूर्वाग्रह व्यवहारिक तरीकों से मानसिक अभ्यास द्वारा संभव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या सम्मिलित नहीं है ये पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलोव के अनुकूलन का दूसरा क्या नाम है? तो पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत उनको कहा जाता है, तो उनके अनुकूलन का दूसरा नाम है अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया द्वारा सीखना, अनुक्रिया द्वारा सीखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों ये सभी विधियां हैं शारीरिक शिक्षा की सीखने की विधि पर, सर्वोत्तम विधि है प्रदर्शन विधि, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह रोज डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी गलतियों को सुधारते रहिए। तो इस तरह आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और लोगों तक भी पहुँचाइए। एंड आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।